Hey, India is mainly an agricultural country. Agriculture is the most important occupation for most Indian families. So let's learn more about agriculture in India. Hello everybody, my name is Divyam Gupta. Welcome to Geography Chapter Agriculture. ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एग्रीकल्चर वर्ड दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एक है एग्री, जिसका मतलब होता है लैंड, और दूसरा है कल्टर, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब हुआ लैंड कल्टीवेशन। आज इंडिया के अराउंड 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर की ही वजह से आज इंडिया के 125 करोड़ सिटीजन्स और 13 करोड़ एनिमल्स को खाना मिल पाता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। सर, मैंने सुना है कि आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सही सुना है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो ये क्लोथ पहना है, ये कॉटन का बना है, यानी कि जो कॉटन है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, उनके लिए कॉटन एक रॉ मटेरियल है और कॉटन एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने कोको कोला पी थी, जो कि एक शुगर ड्रिंक है। शुगर, शुगर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हुआ शुगर, जो कि शुगर केन से मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुगर इंडस्ट्री भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। आज इंडिया टी और शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट, बाजरा और सिल्क का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टबाको का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सर, क्या ये सच है कि एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी में अराउंड 16% तक कंट्रीब्यूट करता है? बिल्कुल सच है। आज बहुत सारे इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सो ओवरऑल, इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट एग्रीकल्चर के बारे में और डीपली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम टोटल 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, जो कि इंट्रोडक्टरी है। सेकेंड लेक्चर में हम फार्मिंग की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम कुछ मेजर क्रॉप्स को डीपली स्टडी करेंगे। फोर्थ लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल इकोनॉमी के बारे में। फिफ्थ लेक्चर में हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। और फाइनली सिक्स लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सो वेलकम टू द सीरीज। नाउ इट्स टाइम फॉर अ फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंडियन फार्मर 5 एकड़ ऑफ लैंड ओन करता है, जिसको वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज करता है? एक 5 एकड़ लैंड में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मिंग की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। क्लिक हेयर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हेयर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्लिक ऑन द सर्कल टू सब्सक्राइब सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम पीयू स्टैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।